अभूतपूर्व रूप से मनाया गया चेटीचंड महोत्सव। दो वर्ष से कोरोना काल के कारण स्थगित किए गए सिंधियों के इष्ट देव वरुण अवतार प्रभु झूलेलाल जयंती चेटीचंड महोत्सव इस साल मौका मिलने पर सिंधी समाज ने पूरे जोरों शोरों से मनाया। चेटीचंड महोत्सव में सबसे पहले पूज्य झूलेलाल धर्मशाला से शहर के मुख्य मार्गों पर होते हुए पूज्य झूलेलाल चौराहा तक एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली पर आगे आगे एक वाहन पर झूलेलाल के भजन चल रहे थे, पीछे पीछे सिंधी समाज के लोग जगह जगह पर रुक रुक कर नृत्य कर रहे थे। पूज्य झूलेलाल चौराहा पर वाहन रैली के पहुंचने के उपरांत विशाल लंगर वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। शाम 6 बजे झूलेलाल मंदिर गुरु नानक मार्केट पर प्रभु झूलेलाल की आरती की गई। शाम 6:30 बजे पूज्य झूलेलाल धर्मशाला स्थित झूलेलाल मंदिर पर आरती की गई। शाम 7 बजे से सखी बाबा असुदा राम आश्रम में सिंधी समाज के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि को सिंधी समाज के मुखिया जयराम दास लदवानी, मुखिया राजकुमार ठाकुर आदि कई लोग मौजूद रहे। मालवीय नगर के सभासद पवन श्रीवास्तव का रवि अमलानी ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम के दौरान सिंधी समाज के लोगों को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के दुष्परिणामों से बचाने के तरीके बताए।